وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ईमानी भाइयों, आज रमज़ान मुबारक की तो चौथी तारीख है, लेकिन चूंकि हम एक पारा पीछे पीछे चल रहे हैं, पहला दिन तारुफ में गुजरा, तो कल तीसरे पारे की इब्तिदा हुई थी, लेकिन सिर्फ आयतुल कुर्सी के इब्तिदाई हिस्से का तर्जमा आपको सुनाया था, तो वक्त पूरा हो गया। आज तीसरा पारा यानी सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा और सूरह आले इमरान के इब्तदाई हिस्से के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें अर्ज करनी हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही कहने और सही सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अर्ज किया था कि दुनिया की किताबों में और अल्लाह की किताब में ये फ़र्क है कि अल्लाह अहकाम को बयान ही नहीं करता, बल्कि अहकाम पर चलने के लिए जहन और दिमाग को तैयार करता है। सूरह बकरा के इब्तदाई हिस्से में वो अकायद बताए जिनको ईमान वालों ने मानना है, और उसके बाद वो काम बताए जा रहे हैं जो ईमान वालों ने करने हैं। मगर कुरान का ये अंदाज नहीं है कि एक लिस्ट के तौर पर हमें सुना दे कि तुम्हें नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है, हज करना है, फिर जहन कैसे तैयार होगा। बीच बीच में अल्लाह अपनी तौहीद का बयान लाता है, कभी मौत का बयान लाता है, कभी आखरत का बयान लाता है, कभी जन्नत और जहन्नम का मंजर दिखाता है, कभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के लिए तड़प को पेश करता है, जिससे इंसान का दिमाग तैयार होता है अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए। आयतुल कुर्सी के अंदर यही मज़मून है। उससे पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बयान था, और आखिर में फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बयान आएगा, लेकिन बीच में ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह की तौहीद का बयान आया। आयतुल कुर्सी अल्लाह की तौहीद पर मुश्तमिल, और मैंने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बताया था कि किसी अकेली आयत के अंदर अल्लाह की सिफात का इतना ज़बरदस्त बयान नहीं आया जितना कि सूरह आयतुल कुर्सी के अंदर एक आयत के अंदर आया है। और उसके बाद फरमाया ला इकराह फिद्दीन तत्तबयना रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसका मिन उरवतिल वुस्का लन फिसाम लहा। फरमाया दीन वाज़े कर दिया, अल्लाह की सिफात बयान कर दी हैं, ला इकराह फिद्दीन, अब किसी को दीन में लाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। कितने जालिम हैं वो लोग जो कहते हैं कि दीन ज़बरदस्ती फैला। दीन तो खुद कह रहा है कि ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाने से मुसलमान होता ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में लाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं। मैं वाज़े तर्जमा कर रहा हूँ, बाज़ लोग इसका गलत मफहूम समझते हैं या लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। भाई दीन में जब आ गया फिर तो अल्लाह के अहकाम को मानना है, फिर कोई कहे कि मैं नहीं मानूंगा तो फिर उसको सजा भुगतनी है, आखरत की भी और दुनिया की भी। दीन में लाने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं। कद तबय्यना रुश्दु मिनल गय, हमने हिदायत को गुमराही को अलग अलग बयान कर दिया, जिसका दिल चाहे वो माने, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका दिल चाहे वो ईमान लाए, जिसका दिल चाहे वो कुफर करें, मगर जहन्नम में जाने के लिए तैयार रहे। और सुनो, अल्लाह वलीयुल लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर वल्लदीना कफरू औलियाहुमुत तागूत। जो अल्लाह को मान लेते हैं अल्लाह उनका दोस्त बन जाता है, और वो सबसे पहली उनकी मदद ये करता है, युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर,
वो उनको कुफर की शिर्क की खुराफात की गंदगियों से अंधेरियों से निकालता है इला नूर और रोशनी की तरफ ले जाता है। والذين كفروا اولياءهم الطاغوت और वो लोग जो कुफर करते हैं उनके दोस्त शयातीन हैं वो उनको क्या करते हैं يخرجونهم من النور الى الظلمات वो तो रोशनी में से वापस पलट करके उनको अंधेरे की तरफ ले जाते हैं और उसका नाम चाहे न्यू लाइट रखें उसका नाम चाहे रोशनी रखें उसका नाम चाहे कुछ भी रखें कुरान कहता है वो सब का सब अंधेरा है सब का सब ज़ुलुमात है सब की सब गुमराही है बस एक ही अल्लाह का नूर है जिसकी तरफ कुरान दावत देता है। और फिर अल्लाह की तौहीद को बयान करते हुए एक अहम मसले की तरफ इशारा किया कि इंसान खुदा का बागी बनता क्यों है। फरमाया कभी अल्लाह उसको नियामतों से नवाजता है तो ये नियामतों का शुक्र करने के बजाय फिट जाता है। ये फिट हमारी पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है कि अकड़ जाता है उसको नियामतें पचती नहीं है और फिर अल्लाह के आगे खड़ा हो जाता है और अल्लाह को ही ललकारने लगता है मन नशद्दु मिन्ना कुव्वा हमसे बड़ा ताकतवर कौन है। फरमाया वो देखो एक बदबख्त को मैंने थोड़ी सी दुनिया की दौलत दी जरा सी ताकत दी हुकूमत दी नमरूद नामी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस करता है अल्लाह के बारे में अल्लाह की तौहीद के बारे में अलम तरा इलल लजी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिह अन आताहु अल्लाहुल मुल्क क्या देखा तुमने उस शख्स को क्या गौर किया उसके बारे में अन आताहु अल्लाहुल मुल्क सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने उसको मुल्क दे दिया था हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिह इब्राहिम से झगड़ा करता है और झगड़ा किसके बारे में जमीन का झगड़ा नहीं जायदाद का झगड़ा नहीं मुल्क का झगड़ा नहीं झगड़ा किसके बारे में कर रहा है अल्लाह के बारे में कर रहा है कि अल्लाह है या नहीं है कहता है मैं खुदा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत फरमाया मेरा रब तो वो है जो मुर्दू को जिंदा करता है बेजान को जानदार बनाता है और जानदार को बेजान करता है जिसके हाथ में मौत और जिंदगी का निजाम है उम्मीद उसने कहा अच्छा मैं भी मारता हूँ मैं भी जिंदा करता हूँ। और तारीख वालों ने लिखा कि एक आदमी के लिए मौत का फैसला हो चुका तो कहा जा तू आजाद कर दिया कहता देख मैंने मुर्दा को जिंदा कर दिया और एक चलते फिरते मजलूम को पकड़ करके कत्ल करवा दिया कहने लगा कि देख मैंने एक जिंदे आदमी को मार दिया मैं भी दोनों काम कर सकता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि माल का खमार जब दिमाग पर चढ़ता है तो इंसान अक्ल से भी कोरा हो जाता है बात समझता भी नहीं है इसको मौत और जिंदगी का मतलब ही नहीं समझ में आया कहा अच्छा तो मोटी बात समझ रब्बी अल्लज़ी याती शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब मेरा रब तो वो है जो सूरज को इधर से चढ़ाता है और इधर ग़ुरूब करता है फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब अगर तू कहता है मैं खुदा हूँ ज़रा इधर से निकाल कर दिखा फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र क्या अंदाज है कुरान का फबुहिता मबहूत हो गया हक्का बक्का रह गया लाजवाब हो गया कुछ बात नहीं बनती है मुंह में झाग उतर आई क्या कहूं फबुहिता लजी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन लाजवाब क्यों हुआ फरमाया जो खुदा का नाफरमान होता है खुदा फिर उसको रास्ता दिखाता ही नहीं है। ओह फिर अल्लाह की तौहीद सिखाई او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فرمایا ایک اور کی بات تو سنو ایک بستی کے پاس سے گزرا وہ بستی کسی زلزلے طوفان کسی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی اور ایک عرصہ دراز بیت گیا تھا اس بستی کو ہلاک ہوئے یہاں تک کہ اب اس کے کھنڈرات کے نشان بھی کمزور پڑ گئے تھے تو اس نے دیکھا اللہ کے بندے نے اور یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے بعض حضرات نے تو کہا حضرت عزیر علیہ السلام ہے مگر تعجب سے دیکھا ہے اللہ ایمان تو ہے اس پر کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ بات سمجھ میں نہیں آتی مر گئے گل گئے ہڈیاں ختم ہوگی مٹی میں مل گئے اب دوبارہ یہ زیادہ کیسے زندہ ہوں گے فرمایا اچھا ابھی سمجھ میں نہیں آیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ نے فرمایا چل تجھے بھی موت دے دیتا ہوں 100 عام 100 سال تک مار دیا اور 100 سال کے بعد زندہ فرمایا اب ذرا نظر مار ادھر تیرے پاس دو چیزیں تھیں ایک تیرا کھانا تھا کھانا کی خاصیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے تک رہے گا اس کے بعد خراب ہو جائے گا اور ساتھ میں تیری سواری کا گدھا بھی تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ اگر
कुछ महीने नहीं तो कुछ हफ्ते तो जिंदा रह सकता था, और अगर मर भी जाता तो हड्डियां शड्डियां कुछ ना कुछ बाकी, तो एक अरसा दराज तक रहती। लेकिन फंजर इला तामिका शराबिका लम यतसन्ना, मेरी कुदरत तो देख, अभी तेरा खाना तो बासी भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि हार्ट केस में रखा हुआ, उसी तरह गर्म उसी तरह मौजूद। और जरा फंजर इला इमारिका वली नजअलका आयतल लिन्नास, जरा गधे को भी तो देख, उसकी हड्डियां गल गई, मिट्टी बन गई, राख बन गई है, मेरी कुदरत को नहीं समझता है। ओहो, फरमाया समझ गया। काल कम लबिस्ता, काजर अपना तो बता तू कितने दिन मरा रहा। काल कम लबिस्ता, काल लबिस्तो यौमन नौ बाद यौम, कितने दिन रहे मियां। कहा एक दिन या एक दिन से कुछ कम। काल बन लबिस्ता मियातां, आपको एक साल हो गए मरे हुए, किसी से पूछो तो सही, जरा अपने मुलाकातियों से मालूम करो कि इस नाम के लोग मेरे साथ रहते थे, लोग कहेंगे 100 साल हो गए मरे हुए, आज पूछ रहा है उनको। और फिर जिक्र किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह की तौहीद समझानी ना, और मैंने कहा था कि तौहीद कैसे समझा रहा है अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये मेरी सिफात है, अगर तुम कहते हो कि मेरा कोई शरीक है तो लाओ मैदान में ऐसी सिफात वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तो कहा भाई इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता काला मुर्दू को जिंदा करेगा कैसा, मर गए मिट्टी में मिले, मुर्दू को कीड़े खा गए, कीड़ों को दूसरे कीड़े खा गए, उन कीड़ों को तीसरे कीड़े खा गए, वो सब मर करके खाद बने, खाद को लोगों ने खेत में डाल दिया, बात खत्म हो गई, कैसे तू मुर्दू को जिंदा करेगा। काला वालम तू मिन, फरमाया अभी तुझे यकीन नहीं है, फरमाया ईमान है, पक्का ईमान है, और तेरे बंधु को ये दावत देने के लिए आया हूँ। लेकिन इत्मीनान कल्ब कैसे समझा रहा है अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये मेरी सिफात है, अगर तुम कहते हो कि मेरा कोई शरीक है तो लाओ मैदान में ऐसी सिफात वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तो कहा भाई इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तो जिक्र कीजिए। अल्लाह से अर्ज किया ऐ अल्लाह तू ये तो बता मुर्दू को जिंदा करेगा कैसा, मर गए मिट्टी में मिले, मुर्दू को कीड़े खा गए, कीड़ों को दूसरे कीड़े खा गए, उन कीड़ों को तीसरे कीड़े खा गए, वो सब मर करके खाद बने, खाद को लोगों ने खेत में डाल दिया, बात खत्म हो गई, कैसे तू मुर्दू को जिंदा करेगा। काला वालम तुमिन, फरमाया अभी तुझे यकीन नहीं है, फरमाया ईमान है, पक्का ईमान है, और तेरे बंधु को यह दावत देने के लिए आया हूँ। वलाकिन लियत्मईन्न कल्बी, लेकिन इत्मीनान कल्ब तो कोई और चीज है, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ जरा प्रैक्टिकल देख करके कि कैसे तू मुर्दों को जिंदा करेगा। قال فخذ اربعة من الطير, फरमाया चार परिंदे पकड़ ले और उनको टुकड़े कर, और टुकड़े क्या कर, कहिए कीमा बना, उसका पीस दे, छोटे छोटे पीस बना, और उसके बाद उनको बखेर दे पहाड़ों के ऊपर, सुरहुन, और फिर उनको बुला के इधर आओ, देखो कैसे आते, याती न कैसा आया, यक बयक बुलाया तो दौड़ते हुए आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माना, तेरी कुदरत क्या अजीब कुदरत है। फिर वापस पुराना मजमून दोबारा लाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। मैंने कहा था ये बताया जा रहा है कि हमने करने क्या काम है, फरमाया एक काम ये करना है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। क्यों करना है खर्च है? इससे पहले भी लोग गरीबों को यतीमों को देते थे और आज भी देते हैं, हमारे बिरादरान ने वतन दान नहीं करते, हमसे ज्यादा करते हैं, खूब दान करते रहते हैं, गरीबों को देते हैं, यतीमों को देते हैं, यतीम बच्चियों का निकाह कराते हैं, कंबल बांटते हैं, और क्या क्या बांटते हैं, हीडो लोग बांटते हैं, आप देखते रहते हैं क्यों नहीं बांटते हैं। लेकिन फरमाया फर्क है उनके बांटने में और इनके बांटने में, जो इन्फाक अल्लाह कह रहा वो कुछ और है, और वो जो खर्च कर रहे हैं वो कुछ और है। अल्लाह जो कह रहा वो क्या है, वल्लज़ी यूती मालहु लियतज़क्का, यूती मालहु लियतज़क्का, यहाँ जो माल देता है वो किसी पर एहसान नहीं करता, यहाँ जो माल देता है वो अपनी शोहरत नहीं चाहता, जो माल देता है वो क्या चाहता है, यूती मालहु लियतज़क्का, इसलिए माल देता है कि दिल की सफाई करना चाहता हूँ। नमाज पढ़ता है किस लिए, तकवा के लिए, तज़किया के लिए, रोजा रखता है किसके लिए, दिल की सफाई के लिए, तकवा हासिल करने के लिए, और ज़कात किस लिए देता है, यूती मालहु यतज़क्का, माल किसके लिए देता है, अंदर को साफ करने के लिए। फरमाया मसलुल लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन नबतत सबअ सनाबिल, और इस आयत से पहले आगे एक आयत है जो इस आयत के ऊपर तबसरा फरमाया गया है, पहले जरा उसका तर्जुमा पढ़ते हैं।
فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. اے ایمان والو تمسے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو مگر کس میں سے خرچ کرو؟ اپنے باپ کی کمائی میں سے، دادا کی کمائی میں سے، اپنے ہاتھوں کی محل میں سے؟ فرمایا تو کیا اور تیرے ہاتھوں کی محل کیا، تو نے کمایا ہے کیا؟ مما اخرجنا لكم من الارض، جو ہم تم کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرو، اور جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں اس میں سے خرچ کرو. تمہاری کون سا، تمہارا کون سا کمال ہے کہ تم مال کماؤ؟ تمہارے باپ کا ہے، ہم نے دیا ہے. اگر ہم نہ چاہتے تو تم کہیں سے کما نہیں سکتے تھے. ہم چاہتے ہیں تو گدو بے وقوف جو کہیں کام نہیں آتا ہے اس کو ختم کا مالک بنا دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ڈگری ہولڈر بڑے پڑھے لکھے آدمی در در کی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. کوئی آدمی محنت سے کما سکتا ہے؟ میں دیتا ہوں اور دینے کے بعد کہتا ہوں ذرا میرے راستے میں دے. صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے مانتا ہے یا مال کو. میری محبت ہے دل کے اندر یا مال کی محبت ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، اور یاد رکھنا میں نے تم کو اچھا اچھا مال دیا تو میرے راستے میں خراب مال نہیں دینا. اور اس کے بعد ایک خاص تبصرہ جس کے لیے میں نے اس آیت کو پہلے پڑھا، فرمایا ان الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. ایمان والو تمہارا ساتھی بھی ایک ہے، تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے چکمے سے بچنا، وہ برا پرانا دشمن ہے. عدو مبین، عدو قدیم، پرانا دشمن کون؟ شیطان. یعدکم الفقر، جب تم جیب کی طرف ہاتھ لے جاؤ گے تو تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا اور تم کو غریبی سے ڈرائے گا اور کہے گا جو پیسہ نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اگر دے دیا تو پھر کہاں سے لاؤں گا. یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، ایک طرف تم کو غریبی سے ڈرائے گا اور دوسری طرف تمہارا مال فحشات میں لگائے گا، گندی باتوں میں لگائے گا، شادیوں میں خرچ کرائے گا، فحشات میں خرچ کرا دے گا، مگر میرے راستے میں دینے سے ڈرائے گا. مگر اللہ تعالیٰ تم کو کہتا ہے کہ تم دیتے جو میرے راستے میں، جیسا میں نے پہلے دیا تھا ایسا اب بھی تم کو دوں گا. اور ایک حقیقت آگے چل کر سمجھائی، ذہن میں آئی پہلے اس کو بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے محق اللہ الربا ویرب الصدقات، میں کہتا ہوں کہ صدقوں کو میں بڑھاتا ہوں اور سود کو میں مٹاتا ہوں. سود خار کہتے ہیں کہ 100 دیا اور مہینے کے بعد 110 لیا اور سال کے بعد 200 پورے ہو گئے، اور کبھی تو سال کے بعد 220 ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اور رب کہتا ہے محق اللہ الربا ویرب الصدقات، اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. اللہ کتنا بڑھاتا ہے صدقوں کو. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فرمایا اللہ کتنا بڑھاتا ہے، ایک دانہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یوں سمجھو اس دانے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور اس دانے سے ایک دانہ نہیں نکلا، اس دانے سے ایک پودا نہیں اگا، اس سے کتنے پودے اگے؟ بولو، 7 پودے اگے اس سے. ایک کے بجائے کتنے؟ 7 پودے. زرخیز زمین تھی، بنجر زمین میں ایک ڈالتے ہیں تو ایک نکلتا ہے، اور زرخیز زمین میں ایک ڈالتے ہیں تو کتنا نکلتا ہے؟ 7 نکلتا ہے. اور ہر ایک پودے کے اوپر 100 دانے آئے تو ایک کے کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر، کہاں بات پہنچ گئی. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ فرمایا من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھاتا رہتا ہے. لیکن بات وہ پرانی لوٹ کر کے آئی کہ مال تو اور لوگ بھی خرچ کر رہے ہیں، دان کر رہے ہیں، لیڈر لوگ بھی دیتے ہیں، کمبل بانٹتے ہیں لوگوں میں، لیکن فرمایا فرق ہے. ایمان والے، ہاں بات بار بار آتی ہے نا، لوگ پنجابی سمجھتے نہیں. ہماری پنجابی کا محاورہ ہے، کہتے ہیں نیکی کر تے خوہ وچ سٹ، اور نیکی کر اور کنویں میں ڈال دے، دوبارہ سوچ بھی نہ، کبھی خیال بھی نہ آنے دے کہ میں نے کہیں دیا ہے یا نہیں دیا. اور آج کیا کہتے ہیں کہ خرچ کرتے ٹی وی وچ سٹ تاکہ سب دیکھے شام کو کہ صاحب کمبل بانٹ رہے ہیں اور فلاں جگہ غلہ بانٹ رہے ہیں، خیرات بانٹ رہے ہیں. فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو تم اپنے صدقوں کو برباد مت کرو بالمن والاذا. اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی جتا دیا کہ میرا باپ، میرا بھائی مر گیا تھا، میں نے اپنی یتیم پوتوں کی پرورش کی، یتیم بھتیجوں کی پرورش کی، اور ایک مرتبہ بھی یتیموں کو کہہ دیا کہ ابھی تک تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے تم کو کس طرح محنت سے، مشقت سے پالا ہے، فرمایا سب کا سب برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू, ऐ ईमान वाले बातिल मत करो, बेकार मत करो, जाया मत करो अपने सदकों को, बिल मन्नी एहसान जतला करके, वल अदा और तकलीफ दे करके, मसल्लज़ीना युन्फिकून अम्वालहुम रियान्नास, वरना वो लोग जो लोगों को दिखाने के लिए खैरात करते हैं ताकि हमारा सखियों में नाम आ जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम बड़े खैराती हैं, बड़ी सखावत करने वाले हैं। कम हतारी सफ़ा, वरना उनकी मिसाल बताऊं कैसी मिसाल है, उनकी मिसाल ऐसी है कि एक चटियल पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर थोड़ी सी गर्द पड़ी हुई थी और कोई मेरे जैसा बेवकूफ गुजरा, उसने सोचा कि पत्थर पर मिट्टी काफी पड़ी हुई है, जरा दाने डाल देता हूँ कि काश्तकारी करूं, उस पत्थर पर कोई काश्तकारी होगी, उस पर दाने उगेंगे। फरमाया उसके ऊपर अजीब बात हुई, ऊपर से तेज बारिश पड़ी, ना वो गर्द रही ना दाने रहे, सब का सब बर्बाद हो गया। ये मिसाल है उनकी जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। क्या अल्लाह तुम्हारे माल का मोहताज है? क्या अल्लाह ये चाहता है कि तुम गरीबों को पालो, यतीमों को पालो? क्या वो खुद नहीं पाल सकता है? अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसको तुम्हारा मोहताज है? इन्नल्लाहा गनीयुन हमीद, यहीं इसी जगह फरमाया अल्लाह बेनियाज है, तारीफ किया हुआ है उनको, तो उसको तुम्हारे सदकों की जरूरत नहीं। वो तो तुमको देखना चाहता है, तुम्हारे अंदर कितना इखलास है, तुम कैसे देना चाहते हो। और वैसे मुझे गुस्सा आता है मदरसे वालों पर भी, जब कहते हैं ना मदरसे की मुआवनत करो, आज से आपसे आजाना दरखास्त है, खाक दरखास्त है भाई, तुमने कलमा पढ़ा है, ईमान कबूल किया है, बोलो ये अल्लाह के दीन का एक मंशूर है, ये काम चल रहा है, तुम्हारे ईमान का तकाजा है, इसमें शिरकत करो और अपने लिए जन्नत कमाओ, नहीं कमाना चाहते हो तो खुदा का दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है। साफ कहना चाहिए है, مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم, किस लिए खर्च किया जाता है? मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम मुब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, फरमा दो ही बातें होती हैं सदका करने के लिए, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, सिर्फ रब को राजी करने के लिए, सिर्फ मालिक को राजी करने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता। और एक मकसद तफ़्तीतन मिन अन्फुसिहिम, अपने दिल के अंदर ईमान को जमाने के लिए, ये बताने के लिए कि मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत नहीं है, माल को मैं दिल में नहीं घुसना देता हूं। इसकी मिसाल कैसी है? उसकी मिसाल तो पत्थर की थी ना, जिसके ऊपर मिट्टी थी और किसी ने दाना डाल दिया और उसको पानी ने बहा दिया। इसकी मिसाल कैसी है? ओहो, काफी दिन पहले एक मर्दा बारामूला में सफर कर रहे थे, वहां बारामूला से वापस कुपवाड़ा आते हुए बीच में एक पगडंडी के रास्ते से हमारे साथी लाए, अजीब एक जगह देखी मैंने, तो मुझे ये आयत याद आ गई। अल्लाह फरमाता है कमसल रब्बतिन, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी की जमीन टेले के ऊपर हो, ऊंची जगह के ऊपर जमीन हो, फासाबा वाबिलुन, अगर उसको बारिश पहुंचती है तो फिर फाती उकुलहुम ज़िफ़ैन, फिर तो डबल फल देता है। अगर उसको बारिश मिल जाए तो फिर उसमें से दुगना गल्ला मिलता है, दुगना फल मिलता है। फइन लम युसिबहा वाबिलुन फतल, और अगर उसको बारिश ना मिले तो फिर उसको अगर रात की शबनम पड़ जाए तो उस शबनम से उस पर गल्ला आ जाता है। फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, उनकी ये मिसाल है। और आखिर में इस मजमून को क्लोज करते हुए अजीब डांट का अंदाज इख्तियार किया, आया वद्दु अहदुकुम मन तकून लहु जन्नतुम मिन नखीलिन वअनाबिन, क्या तुम में से कोई चाहता है कि वो बहुत मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ एक बाग लगाए, उस बाग के बीच में नहरें बहाए, उस बाग के बीच में चश्मे जारी करे, और अचानक ये आदमी बुढ़ापे को पहुंच जाए, और उसके छोटे छोटे बच्चे हों, इस वक्त में आदमी की क्या तमन्ना होगी? यही होगी कि इस बाग में से डबल दर डबल गल्ला आता रहे, कि इस बुढ़ापे में मुझे भी काम आए, और ऊपर से मेरी औलाद अभी जवान नहीं हुई, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। फरमा ऐसे वक्त में अगर उस बाग के ऊपर फासा बहा एहसार, अचानक उनके उस बाग के ऊपर एक आग का तूफान पड़ा, एहसार आग की आंधी आई जिसने उस बाग को चट कर दिया, बोलो इस बूढ़े पर क्या गुजरेगी? तसव्वुर करो, जरा सोचो, ये चाचा अब क्या सोचेगा कि सब कुछ लूट गया,
मैं खुद बूढ़ा, बच्चे मेरे छोटे छोटे, बाग बिल्कुल बर्बाद हो गया, पर मैं यही मिसाल है उस आदमी की जो सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में खैरात करता रहा, सब माल अल्लाह के रास्ते में लगा दिया और मरते वक्त में खुश होश है कि कोई बात नहीं, जा रहा हूं अल्लाह के पास, सारा माल तो खर्च कर दिया अल्लाह के रास्ते में, वहां पहुंचा तो जवाब मिला कि सब का सब तो लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर रहा था, तो लोग देख चुके हैं, जा उनसे जाकर के सवाब ले ले, यहां तेरे लिए कोई सवाब नहीं। फरमाया एक तो ये तरीका है कि अपना माल दूसरों पर खर्च करो, दूसरों को दो, और दूसरों को कभी एहसान भी मत जतलाओ, कभी दूसरों को ये ख्याल भी ना आने दो कि वो आपके ममनूने एहसान हूं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हाय हाय, इस आयत को जब मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी हम में से कोई ऐसा बंदा हो सकता है कि जो किसी पर एहसान करे और उसके दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि ये बंदा मुझे एक मरतबा शुक्रिया कहता हुआ जाए, थैंक यू कह दे, ये हो सकता है कोई बंदा? आखिरी दर्जे में आदमी सोचता है कम से कम थैंक यू तो कह देता, लेकिन ईमान की पहचान क्या है? ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना बदला चाहते हैं ना शुक्रिया शुक्रिया चाहते हैं, कुछ भी नहीं। एक तबका ये था जो ये तालीम दे रहा है, जो ये काम कर रहा है कि खुद कमाता है, मेहनत से कमाता है, रब को राजी करने के लिए, ईमान को पक्का करने के लिए अल्लाह के रास्ते में लगाता है और किसी पर एहसान भी नहीं जताता है। पर मैं एक दूसरा फरादी तबका भी तो देखो, देते हैं तालीम मसावात और पीते हैं गरीबों का लहू, इनसे भी तो पूछो ये क्या कर रहे हैं। पर मैं ये सूद खाते हैं, अल्लादीन याकुलून रिबा, इनकी सोच क्या है? ताकि दुनिया के जेबों का पैसा हमारी जेब में कैसे पहुंचे, गरीब का पैसा मालदार के पास कैसे पहुंचे। और मौलाना सज्जाद साहब की जबान में ज़कात उस निज़ाम का नाम है जिससे गरीब मालदार के बराबर खड़ा होता है, और सूद उस निज़ाम का नाम है जिससे गरीब गरीब तर होता चला जाता है और मालदार मालदार तर होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है वो और ये घटता चला जाता है। अल्लज़ीन याकुलून रिबा, फरमाया जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन उठेंगे, ये तमस्सम जैसे उठेंगे, तखब्बतु शैतानु मिनल मस, जैसे कि किसी को जिन चिपट गया हो, और जिसको जिन चिपटता है वो कैसे भागता है, कभी उधर कभी उधर, ऐसे ऐसे देखता है। फरमाया ये भी ऐसे उठेगा क़यामत के दिन पागल बन करके, क्यों? इसलिए कि अकल को खो करके दुनिया में सिर्फ इसका एक ही मकसद रह गया था कि गरीबों को कैसे दबाऊं, बेवकूफ बनाता था दूसरों को। बैंकारी के लोग मौजूद हैं, जानते हैं इस बात को, क्या ये हकीकत नहीं है कि गरीबों को बुद्धू बनाते हैं कि 5 साल के बाद तुमको डबल पैसा देंगे, और 5 साल के बाद नहीं सोचते हैं कि करंसी का मेयार इतना गिर जाता है कि डबल क्या, अगर 4 गुना भी दे दे तब भी बराबर नहीं होता है, है ये हकीकत के नहीं है? और वो इनका माल खा जाते हैं इनको बुद्धू बनाकर, इनको पता ही नहीं चलता है, देते हुए भी इन्हीं का माल खाते हैं और लेते हुए भी इन्हीं का माल खा जाते हैं। कितना बड़ा ये जुर्म है इंसानियत के लिए। फरमाया मुल्क मुल्कों को इसीलिए सूद देते हैं, और तबकात तबकात को और अफराद अफराद को इसीलिए सूद देते हैं, और अल्लाह के नज़दीक ये कितनी नापसंदीदा बात है, बात कहने को हिम्मत नहीं करती है ज़बान। आपने सुना मौलाना तालीम फरमा रहे थे, हदीस सुनाई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि सूद का अगला दर्जा कितना बदतरीन गुनाह है। अल्लाहु अकबर, वो आप जानते हैं मुझे हदीस कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वदरु मा बक़िया मिनर रिबा, ओ ईमान वालों डरो अपने मालिक से, वदरु मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ दो जो तुम्हारा सूद बाकी बच गया है, और अगर नहीं बचते हो नहीं बाज आओगे तो फिर आ जाओ मैदान में मुझसे जंग करने के लिए। लेकिन ये सोच कर आना कि फातु भी हर दिन मिन अल्लाह, कह रहा है अल्लाह कह रहा है फिर आओ जंग करने के लिए, लेकिन सोच कर आना किसके साथ जंग करने जा रहे हैं। करने के काम बताए जा रहे हैं 1400 साल पहले। आज का इंसान कहता है कि मैंने इंसानों को तहजीब दी, मैंने इंसानों को लिखना सिखाया, मामलात सिखाए। जरा सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन। 1400 साल पहले क्या निज़ाम दिया गया, क्या तसव्वुर दिया गया? फरमाया जब भी 2 आदमी मामलात करें तो उनको आपस में मामले को लिखना चाहिए, और फिर तफसील के साथ डिटेल के साथ बताया कैसे लिखना चाहिए।
मसलन हम सोचते हैं कि अगर कोई मामला करेगा, एक आदमी जमीन बेच रहा है, दूसरा ले रहा है, और ये उधार के ऊपर बेच रहा है, तो बेचने वाला अपने रजिस्टर में लिखेगा, फरमाया ना ना, बेचने वाला अगर यहाँ नहीं लेगा, इसको अपना पैसा यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो क़यामत के दिन ले लेगा। असल लिखने की जो मुसीबत और परेशानी है वो उसकी है जिसने देना है, पर युमिनिल्लज़ी अलैहिल हक, जिसके ऊपर हक है वो लिखे इसको कि मुझे इसके कितने पैसे देने हैं। फिर फरमाया दो गवाह भी रख लें, दो मर्द रखें, दो मर्द ना मिले तो एक मर्द रखें, दो औरत रख लें, इसलिए कि औरतें भूल जाती हैं, जब एक भूलेगी दूसरी याद दिला देगी। ये लंबा मसला बयान किया और आखिरी रुकू शुरू हुआ सूरह बकरा का, और मैंने आपको बताया था अल्लाह के कलाम की तरतीब क्या होती है, जहाँ से बात शुरू की जाती है वहीं पर ख़त्म की जाती है। शुरू की थी कि सब कुछ अल्लाह का है, मान लो खुदा को, और ख़त्म की जा रही है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। फरमाया ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात, ये सारी की सारी अल्लाह की, मानो इस बात को, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो ज़मीन में है वो भी, जो आसमान में है वो भी, सारे का सारा लिल्लाह। बोलो किसका है? अल्लाह का है। ओहो, इन तुब्दू शैयन व तुख्फूहु, अगर तुम अपने दिल की कोई बात जाहिर करोगे वो उसको भी जानेगा, और अगर तुम छुपा करके कोई गंदा अकीदा रखोगे, गंदी सोच रखोगे, तो उससे छुप नहीं सकेंगे। युहासिबुकुम बिल्लाह, वो उसका भी हिसाब ले लेगा। और फिर सूरत का खत्म किस तरह फरमाया, ईमान वालों को सिखाया कि मुझसे मांगा करो, करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो यूं जवाब दें कि मैं करीब हूं, मुझसे मांगो। मगर हम मांगे क्या, क्या पीती का शोरबा हमको मांगने क्या आता है? फरमाया मैं तुमको सिखाता हूं कैसे मांगना है। हम क्या, हमारे बाबा आदम को भी सिखाया, फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फातम्महुन, गलती हो गई, आदम अलैहिस्सलाम पिछता रहे हैं, मगर करें क्या। फरमाया हम ही ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखाए कि इन कलिमात के जरिए से मुझसे दुआ मांगो। फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमातिन फताब अलैहि, आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात सीखे, और मुफस्सिरीन कहते हैं वो कौन से कलिमात थे, खुद कुरान तफसीर करता है, कौन से थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ईमान वालों को सिखाया जा रहा सूरत के आखिर में, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन क़ब्लिना, ऐ अल्लाह तूने यहूदियों को हटा दिया, ऐ अल्लाह तूने ईसाइयों को हटा दिया, तूने मंजर से इन सबको गायब करके अब दीन की जिम्मेदारी हमको दी, हम तुझसे मांगते हैं कि इसको निभाने की हमें तौफीक अता फरमा, और ऐसा कोई मुश्किल हुक्म ना दे जो हमसे पूरा ना किया जा सके। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, ऐ अल्लाह कोई ऐसा बोझ नहीं लादना जो हम उठा ना सकें। और अल्लाह पहले ही कह चुका, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी की ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ लादता ही नहीं हूं। रमजान का महीना फरमाया, रोजे फर्ज, तो कोई डर जाए कि इतने बड़े रोजे, फरमाया इद अय्या कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल अय्याम मादूदात, और भाई ज्यादा लंबे थोड़े, पूरे साल थोड़े रखने, अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिन है, गिनती के हैं। हमारे यहाँ किसी ने कहा था वो एक रोजा गुजरा, उसने कहा रमजान तो गया, आया रोजो क्यों रोजो, पीछे रहा 19 9 9, क्या बस आया रोजा गया रोजा, अब तो 20 और 9 बच गए, बाकी क्या रमजान, अय्याम मादूदात, चंद दिन के रोजे हैं। और चंद दिन के, फरमाया अगर इसमें कोई बीमार हो और कोई मुसाफिर हो, फरमाया उसको भी छूट, दूसरे दिनों में रख ले। और कोई कहे कि मैं तो रख ही नहीं सकूंगा, इतना बुढ़ा हूँ, इतना बीमार हूँ, आइंदा कभी रखने की मुझे उम्मीद भी नहीं है, फरमाया फ़फ़िदियतुन ताम मसाकीन, फिर फिदिया दे दे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, तुम्हारा रब चाहता ही आसानी है तुम्हारे साथ, मुश्किल में तो तुम खुद अपने आप को डालते हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ओहो, और आयत सूरत खत्म किस तरह की जा रही है, हैं, रब्बना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरिन वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना, माफ कर दे, रहम फरमा, अंत मौलाना, इसलिए कि मौला तो तू ही हमारा है, अगर तू माफ नहीं करेगा फिर किसके दर को खटखटाएंगे। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरिन, नाफरमानों पर हमको गलबा देना। शायद टाइम हो गया जी,
अभी है वक्त थोड़ा सा, थके तो नहीं आप? मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह थका, मगर मुझे डर रहता है कि साथी ना कभी थक जाएं। और ये गुनाह है कि लोगों को इतना सुनाएं कि वो उकता जाएं, उकताने से पहले बंद करना चाहिए। थके तो नहीं? नहीं, थोड़ा सा सुनाता हूँ। इसके बाद सूरत शुरू हुई सूरह आले इमरान। आए हाय, अल्लाह की तकसीम देखें। मैंने कहा था शिया अब्दुल्ला ने फरमाया कि वो पूछे कि कुरान सच्चा है, इसकी क्या अलामत है? फरमाया अगर कोई कहे कि इस वक्त में सूरज निकला हुआ तो इसकी क्या पहचान है, उसको कहो वो देख सूरज नजर आ रहा है। ओहो, इन हादल कुरान यफ्तलाई ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ये कुरान है ही ऐसा है कि अल्लाह के सिवा इसको कोई बना सकता ही नहीं। अंदाज़े मा कान हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इसको बना सकता ही नहीं। कौन बना सकता है? देखिए अलग अलग वक्तों में नाजिल हुआ, लेकिन जब आज हम पढ़ते हैं तो लगता है कि एक ही वक्त में इकट्ठा बनाया गया है। सूरह बकरा के अंदर दो मजमून थे, पहले अकीदे बयान किए और उसके बाद आमाल बयान किए, लेकिन वहां अकीदे बयान करते हुए सामने किसको रखा? भूल गए? किसको सामने रख करके बात सुनाई? या बनी इसराइल अज़कुरु, भाई बनी इसराइल को यहूदियों को सामने रखा, इन्हीं को रखा नहीं रखा? सूरह आले इमरान शुरू हुई, आदि सूरत के अंदर यही बताया गया कि ईमान वालों के अकीदे कैसे होने चाहिए, ईमान वालों को मानना किसको है, लेकिन यहां बजाय यहूदियों के ईसाइयों को सामने रख लिया। क्यों? इसलिए कि दुनिया की दो बड़ी कौमें थी, पहले नंबर के यहूद थे, यहूदी थे, दूसरे नंबर के ईसाई थे। वहां यहूदियों को बयान कर दिया, यहां ईसाइयों को बयान किया, उनको सामने रखा और उसके बाद अकायद बयान किए। और आदि सूरत के बाद ग़ज़वा उहद को सामने रख करके बयान किया कि ईमान वालों के आमाल कैसे होने चाहिए। ग़ज़वा उहद जो आधा वाला हिस्सा है वो तो इंशाअल्लाह हम सीरत के ज़ोर के बाद वाले मौजू में बयान करेंगे, वो वहां आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये पहले वाले हिस्से को थोड़ा सुनाता हूँ। एक वफद आया ईसाइयों का, नजरान का रहने वाला, उन्होंने मुनाजरा किया मेरे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि हमारा दीन सच्चा है। उसी के ऊपर ये सूरत नाजिल हुई, सूरत का इब्तदाई हिस्सा नाजिल हुआ और सूरत के इब्तदाई हिस्से में तौहीद की दावत दी गई। फरमाया कि तुम्हारा दीन भी असल में तौहीद वाला था, मगर अब तो तुम तीन खुदा और तीन एक में और एक तीन में और बाप और बेटा और बीवी और रूहुल कुदस के उस चक्कर में पड़ गए हो, उस भूल भुलैया में जहाँ से कभी निकल नहीं सकते, शिर्क में लत पत हो, तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा दीन सच्चा है? अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क्यूम नज़ला अलैकल किताब बिल हक मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया। आपके अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता, अल हय्युल क्यूम तफसीर कर चुका हूं, अल्लज़ी नज़ला अलैकल किताबा जिसने आप पर किताब नाजिल की, मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया जो उस चीज की तस्दीक कर दिया, बैना यदैया जो इससे पहले थी, मिनत तौरात इससे पहले जो तौरात नाजिल हुई उसको भी कुरान सच्चा मानता है और इंजील को भी सच्चा मानता है। और कुरान कहता है वअन्ज़ला अलैहिम तौरात, उसी ने तौरात को भी नाजिल किया, उसी ने भी इंजील को नाजिल किया, वल फुरकान उसी ने फुरकान को भी नाजिल किया। उसके बाद अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे लंबा, चूंकि वक्त गुजरता जा रहा है इसलिए मैं आप मौजूद इस सारे को छोड़ता हूँ। आखिर में जाकर इस मजमून को क्लोज करते हुए फरमाया कि तुम मुनाजरा करते हो, ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, कमबख्तों जरा तारीख तो पढ़ो, ईसा अलैहि सलाम किसके बेटे थे? मरियम के बेटे। क्या खुदा किसी का बेटा होता है? किसी के पेट से पैदा हुआ और उससे पहले मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख बयान की, उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम की, और आखिर में फरमाया अगर अब भी नहीं मानते तो इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा काला लहू कुन फयकून। फरमाया अगर नहीं मानते और मुर्गे की एक टांग इसी पर डटे हुए हो कि नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है चूंकि बगैर बाप के पैदा हुआ, तो फरमाया उतरो मैदान में, सुनो एक बार, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसे जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल, अगर ईसा बगैर बाप के पैदा हुए और तुमने कहा वो अल्लाह के बेटे हैं तो आदम अलैहिस्सलाम की तो माँ भी कोई नहीं थी, फिर क्या कहोगे कि उसका बाप भी अल्लाह और माँ भी अल्लाह? दो जवाब क्या है तुम्हारे पास जवाब? ओह,
الحق من ربك فلا تكن من الممترين, آخر میں فرمایا پیارے الحق من ربك, سچ وہی ہے جو تیرے رب نے بیان فرما دیا, فلا تكن من الممترین, تو کہیں سے پیسے لے نہیں لینا, ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں, شک میں نہیں پڑنا, فلا تكن من الممترین, حق یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا, اور اگر اب بھی نہ مانے تو زبردست چیلنج دیا گیا, فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر آپ بھی نہیں مانتے پھر ان سے کہو کہ چلو آپ خدا سے فیصلہ مانگتے ہیں, اور پھر مباہلے کی آیت نازل ہوئی, مباہلہ کی کیا آیت تھی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, اور ایک کھلے میدان میں بیٹھیں گے, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو غارت کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی روایتوں میں ہے, تفسیر میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو نزول پر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے فرمایا کہ آؤ ہم خدا سے فیصلہ مانگتے ہیں, لیکن عیسائیوں کے رنگ فق ہو گئے, اور ان کا جو پادری تھا اس کا چہرہ کالا پڑ گیا, دوسروں نے کہا تو اٹھتا کیوں نہیں اب, اس نے کہا اگر آج اٹھ گیا تو پھر قیامت کو ہی اٹھوں گا, جو یہاں اٹھے گا دھس جائے گا زمین میں, نہیں سمجھتے ہو کس سے مباہلا کر رہے ہو, اس نے لوگوں نے پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے, اس کے ساتھیوں نے کہا سچ ہے جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے, کہا پھر مانتا کیوں نہیں, اگر ماں اس نے کہا اگر مان لوں گا تو نجران والے پھر چھوڑیں گے ہمیں, پھر جو ہدیے اور تحفے جو ہمیں مل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ مال کہاں جائے گا, پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم آپ سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں دین کی دعوت دیں, اور آپ ہمارے علاقے سے آگے بڑھ جائیں, ہم اس کے لیے آپ کو ایک ٹیکس دے دیں گے, جزیہ دے دیں گے, اور یہ لمبا مضمون تھا, دل چاہتا تھا ایک ایک آیت سناؤں لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا, آئے ہائے اسی طرح ہماری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی, یہ گھڑی کی سوئیاں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں, اس کے پاؤں پکڑو, اس کو ہاتھ جوڑو, اور رک رک, یہ نہیں رکنے والی, جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے, یہ نہیں کسی کو رکتا, اس لیے آخری ایک بات کہتا ہوں, اور ان دونوں صورتوں میں پہلے یہودیوں کا قصہ بیان کیا, پھر عیسائیوں کا قصہ بیان کیا, پھر قرآن پاک نے یہ آخری حکم ایمان والوں کو دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من عدوکم, اے ایمان والوں, میں نے مشرک بھی مشرکوں کا حال بھی سنایا, یہودیوں کا حال بھی سنایا, عیسائیوں کا حال بھی سنایا, اب اگر تم میرے ہو تو میرے دشمنوں سے دوستی نہیں لگاؤ, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اپنے سوا کسی کو بتانا نہیں بنانا, اپنے سوا کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا, کسی کے پیچھے نہیں چلنا, کسی کی شکلیں دیکھ کر ویسی شکلیں نہیں بنانا, کسی کی تہذیب دیکھ کر ویسی تہذیب نہیں بنانا, کسی کا تمدن دیکھ کر ویسے ان کے پیچھے نہیں چلنا, اور پھر فرمایا تمہیں ہوا کیا, ہاں تم لا تحبونہم ولا یحبونکم, آیا اس آیت کو تو آپ آج جا کر قرآن میں پھر پڑھو, ہاں تم لا تحبونہم, او ایمان والو تمہیں ہوا کیا, ہاں تم یہ تم ہی ہو, تحبونہم جو ان سے دوستیاں لگاتے پھرتے ہو, ان کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہو, ولا یحبونکم وہ تم سے کبھی محبت نہیں کرتے ہیں, تم نے ان کی طرح چہرے بھی بنائے, تم نے ان کی طرح سب کچھ بنایا, کبھی انہوں نے بھی تمہاری طرح دستار باندھی ہو, تمہاری طرح داڑھی رکھی ہو, کبھی انہوں نے تم سے محبت کی ہو, ہاں تم لا تحبونہم ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے, حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے نفرت کرتے, کیوں, تؤمنون بالکتاب کلہ, اس لیے کہ تم ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہو, ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو, تم اگر ان کی کتاب کو نہ مانو تو کافر ہو جاؤ, تم اگر ان کے نبیوں کو نہ مانو تو کافر ہو جاؤ, اور ان میں سے کوئی نہ تمہارے نبی کو نہ مانتا ہے نہ تمہاری کتاب کو مانتا ہے, پھر بھی تم ان کے پیچھے چلتے ہو, تمہیں ہوا کیا ہے, قد بدت البغضاء من نفاہم وما تخفی صدورهم اکبر, قد بدت البغضاء من نفاہم, یہ بڑے مکار ہیں, بڑے فرادی ہیں, ظاہر کے گورے اندر کے کالے, یہ بسا اوقات تمہیں چکمہ دیتے ہیں, کہتے ہیں جناب ہم تو ایک ہی ہیں, لیکن کبھی کبھی کارٹون بناتے ہیں, کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کبھی مضمون لکھواتے ہیں, اور کبھی تم میں سے کچھ بدمعاش, کچھ غدار, کچھ فراڈی, کچھ منافق, کچھ بدبخت سلمان رشدی کی اور تسلیمہ نسرین کی شکل میں پیدا کر لیتے ہیں, قد بدت البغضاء من افواہہم, کبھی کبھی بغض ان کے منہ سے چھلک کے باہر آتا ہے, کبھی چھپاتے ہیں اندر بغض کو, لیکن کبھی کبھی قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے اندر کا بغض چھلک کر کے باہر آ جاتا ہے, مگر تمہیں عقل نہیں ہے, کیا ہو گیا, سمجھتے کیوں نہیں, اور پھر ایمان والے گھبرا گئے کہ یہ بڑے فراڈی, بڑے مکار, ان سے بچیں گے کیسے, ورنہ
तुम खुद बचो, उनके पीछे मत चलो। इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम तक्वा इख्तियार करोगे और दीन इस्लाम के ऊपर डटे रहोगे, सारी ताकत उनके पास रहे, सारी दौलत उनके पास रहे, सारा ज्ञान सारी कामी उनके पास रहे और वो तमाम कर फरार तुम्हारे खिलाफ करते रहे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी मक्कारियां तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। मैं रब्बे कायनात तुमको ग्रंथी देता हूँ, नुकसान तभी पहुंचाएंगी जब तुम उनके पीछे चलोगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।